हेलो, आज हम लोग सीखते हैं किस तरह से किसी नंबर को हम लोग बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते हैं। यहाँ पर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसा बाइनरी नंबर लिए हैं जिसमें फ्रैक्शन पार्ट भी है और इंटीजर पार्ट भी है। तो डेसिमल से यहाँ पर जितना इधर का जितना पार्ट है ये सब है इंटीजर पार्ट, और उसके बाद दशमलव के बाद जितना आया है ये सब है फ्रैक्शन पार्ट। तो हम लोग ये 2 to the power 0 के साथ इसके कोफिशियंट को गुना करते जाते हैं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, और इधर से 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3, इस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले इसको शुरू करते हैं, ये इस पार्ट को पहले लिखते हैं। तो ये मेरा हो गया 1, 1 into 1 into 2 to the power -1। इसको हम लोग सिलेक्ट करके यहां से सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं तो ये पावर पर चला जाता है, 2 to the power -1। उसके बाद हम लोग फिर इसको प्लस, इसके बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 है, तो पहले हम 0 into 0 2 to the power -2, फिर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको ये 2 to the power -2, फिर प्लस, इसके बाद है 1, इसके लिए लिखते हैं 1 into 2 to the power -2, -3, -1, -2, -3। ये हो गया मेरा फ्रैक्शन का पार्ट। अब हमको लिखना है इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट के लिए हम लोग लिखते हैं ये प्लस, और फिर एरो की ले जाते हैं, 1 है फ्रैक्शन पार्ट में, 1 है, 1 into 2 to the power 0, 1, 1 into 2 to the power 0। इस 0 को ऊपर कर देते हैं, सुपरस्क्रिप्ट यहां पर प्लस लिखते हैं, फिर एरो की को ले जाते हैं, ले जाने के बाद यहां पर लिखते हैं 1 into 2 to the power 1, 1, 2 to the power 1। इसको फिर हम लोग सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं और फिर एरो की को ले जाते हैं, प्लस, वन, 1 into 2 to the power 0 हुआ, 1 हुआ, 2 to the power 2। तो यहां पर से हम लोग 2 को फिर सिलेक्ट करते हैं, 2 को सिलेक्ट करके फिर
इस तरह से कर देते हैं। और ये हो गया मेरा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 2 to the power 2, 2 दूनी 4, यानी ये हो गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, 4। इसको हम लोग ठीक है, 4 प्लस, यहाँ पर देखते हैं, ओहो ये सुपरस्क्रिप्ट बना हुआ है, हाँ ठीक है, 4 प्लस, यहाँ पर हो गया 2 एकम 2, यानी 2 प्लस 2 टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए ये 1 हो गया, यानी 1। उसके बाद प्लस 2 टू द पावर -1 माने 1/2, 0.5 होता है, 0.5 प्लस 0 × 2 टू द पावर -2 है, 0 के साथ कुछ भी गुना करे तो 0 ही होता है, 0 प्लस, इसके बाद हम लोग 2 टू द पावर -3 माने 1/8, 8 से जब भाग देते हैं पॉइंट होगा, 8 एकम 8, 9 10, 8 दूनी 16 और 5 8 40, यानी 1 to 5 आएगा, 0.0.125, ये हो गया। अब सीधे हमको इसको जोड़ देना है, तो हम लोग इसको करते हैं, 4 5 6 7, 7 दशमलव, ये हो गया 5 6 6 2 5, 6 2 5, ये हो गया मेरा डेसिमल नंबर। इसको फिर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके इसको ये, तो इस तरह से हम लोग बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते हैं। थैंक यू।